राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। आप सबको याद दिलाना चाहती हूं, यह वो अमेठी है जिसमें वर्षों तक गांधी खानदान ने, कांग्रेस पार्टी ने रिश्तों का छलावा किया, लड़कियों के उत्थान की बात की, लेकिन जायज में जो सरकारी भूमि लड़कियों की शिक्षा के लिए अधिकृत थी उसको कांग्रेस के गांधी परिवार ने अपने परिवार में सम्मिलित कर अपने लिए ऑफिस बनाया, दफ्तर बनाया। अमेठी साक्षी है कि जिस मैदान पर आज हम सब उपस्थित हैं वो मैदान गौरीगंज के किसानों से जमीन ली गई ये छल कर कि किसानों को, उनके परिवारों को नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस के इस परिवार ने किसानों की उन जमीनों को खुद अपने फाउंडेशन में जब्त करके जब किसानों ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ कांग्रेस के स्वयं नेता कोर्ट में चले गए कि किसानों को उनका अधिकार ना मिले। मैं जानती हूं कि कल भी कांग्रेस के वो नेता जगदीशपुर पधारने का प्रयास कर रहे हैं जिनको अमेठी ने 2019 में विदा कर दिया, लेकिन हास्यास्पद है ये बात कि कल वो आएंगे, रिश्तों की दुहाई देंगे, राम का नाम भी कदाचित लेंगे, लेकिन आज जगदीशपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि जो राम के नाम के खिलाफ कोर्ट में दस्तावेज देता है वो जगदीशपुर में राम के नाम के मैदान पर कब्जा करता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन गुंडों पर बुलडोजर चलाकर वो जमीन जनता के लिए रिक्त करती है।